ठीक है, तो ये ट्रेनिंग हम लोग जो करने वाले हैं सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट लेवल की करने वाले हैं, ठीक है। कुछ चीजें हम लोग इसमें प्रोफेशनल भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एसोसिएट और प्रोफेशनल में जो बेस बे, जो मेजर डिफरेंस होता है, मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। देखो, AWS के अंदर जो सबसे इनिशियल स्टेज का जो कोर्स होता है वो प्रैक्टिशनर होता है। आप सबने भी सुना होगा प्रैक्टिशनर के बारे में। उसके बाद जो होता है वो आपका सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट होता है, और देन उसके बाद जो होता है AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है कि AWS DevOps, उसके बाद आ जाता है AWS एडवांस नेटवर्किंग। फिर उसके बाद इन्होंने बहुत सारे अपने नए नए कोर्सेस लॉन्च किए हैं, जैसे मशीन लर्निंग हो गई, AI हो गई, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो प्रैक्टिशनर का मतलब होता है कि एकदम बिगनर, मतलब हर एक सर्विस को आपने जस्ट उसका एक इंट्रो काइंड ऑफ एक टच किया है और थोड़ा बहुत पे लैब किया और आगे चलेगा। तो प्रैक्टिशनर कोर्स जो इन्होंने डिज़ाइन किया, वो बेसिकली इन्होंने डिज़ाइन किया था नॉन IT बैकग्राउंड वाले बंदों के लिए। नॉन IT बैकग्राउंड का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। आपकी कंपनी के अंदर भी देखना कि बहुत सारे ऐसे नॉन IT बैकग्राउंड होते हैं, जैसे फिनांस के हो गए, HR के हो गए, बिजनेस के बंदे हो गए, जिनको कभी बिजनेस डील पे जाना होता है AWS की, तो उनको भी थोड़ी थोड़ा बहुत अवेयर हो AWS को लेकर, ठीक है। तो वो लोग प्रैक्टिशनर के साइड जाते हैं, या फिर एकदम बिगनर का बंदा होता है जो जो हेल्पर काइंड ऑफ काम करता है AWS में, वो प्रैक्टिशनर की साइड जाता है। लेकिन बंदा सोचता है कि प्रैक्टिशनर लेवल पे अगर जाना ही है तो वो सीधे सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट में मूव कर जाता है। तो प्रैक्टिशनर समझ लो बेसिकली एकदम बिगनर लेवल का हो गया, और सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट हो गया आपका। ये वो कोर्स है जो करने के बाद आप इंडस्ट्री में वर्क करते हो, ठीक है। वर्क करते हो KWS पे, कोई भी टास्क आपको आगे, वो टास्क आप वर्क करते हो, थोड़ा बहुत आर्किटेक्चर डिजाइनिंग करते हो, ये सारी चीजें। तो हमारा जो सिलेबस है सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट लेवल का है, आप समझ लो उसमें प्रैक्टिशनर की बात चीजें भी कवर होंगी, और एसोसिएट की चीजें तो कवर होना ही होना है, ठीक है। अब आप लोग मुझे जस्ट छोटा 2-2 मिनट का इंट्रो बता दो कि आप लोग अभी कौन कौन से डोमेन में करंटली काम कर रहे हो। कोई भी आ जाए पहले मेरे को बता दो। कौन आएगा? हेलो सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर। वैसे भी एक्चुअली AWS के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज तो है मेरे पास। अभी मैं IT में PHP प्रोग्रामिंग वगैरह और रिएक्ट वगैरह की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। PHP भी वर्क करता हूँ, पोस्टग्रेस एक्चुअली कर रहा यूज करता हूँ। और आप क्यूबरनेट्स का कुछ कोर्स वगैरह कर रखा है आपसे? हाँ अभी आप मतलब बेसिकली PHP डोमेन में हो, राइट? यस तो आप AWS की बेसिक नॉलेज आपको भी है थोड़ा बहुत, हाँ बेसिकली ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट कौन है अभी? आप नेक्स्ट बताएगा मुझे कौन कौन सी डोमेन में आप काम कर रहे हो अभी? हाय सर, आई एम वंश प्रिया वशिष्ठ। तो आई एम वर्किंग इन सपोर्ट डोमेन, वर्किंग ऑन लाइन एक्सटेंशन को। अच्छा, लाइनेक्स सीक्वल, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, हेलो सर, हेलो। करंटली मैं मतलब पेटेंट और स्पैन के साथ कंपनी और उसमें मतलब मैं लाइनेज पे वर्क कर रहा हूँ। अच्छा, लाइनेक्स में वर्क कर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, तो मैं अमृता, मैं काम करती हूँ टेस्टिंग डोमेन में एंड ऑटोमेशन डोमेन में। मैं टेक्सटिंग डोमेन में क्या टूल यूज कर रहे हो, मैनुअल कर रहे हो? मैनुअल भी करती हूँ एंड ऑटोमेशन भी करती हूँ, तो कौन सा सेलेनियम। टूल यूज? अच्छा, सिलेनियम यूज करते हो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नेक्स्ट। हेलो सर, मैं भी लिनक्स पे काम करता हूँ। अच्छा, आप भी लिनक्स पे काम करते हो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, नेक्स्ट कुछ? आई थिंक कोई एक ही रह गया है, जमन करके कोई रह गया बस। हेलो सर, हेलो सर। एक्चुअली मैं फ्रेशर हूँ, मेरा IT में कोई एक्सपोजर नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं।
मेरी स्क्रीन विजुअल हो रही है सबको? स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको ना? ठीक, सर। चलो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्लाउड क्या है, AWS क्या है, इसका मार्केट में कितना मार्केट कैप्चर इन्होंने करके रखा है, और एक्चुअल इंडस्ट्री में क्या नीड होती है क्लाउड की, क्यों इंडस्ट्री क्लाउड के साइड जाती है। कुछ तो ऐसा बेनिफिट होगा, कुछ तो ऐसा फायदा दे रही होगी जिसकी वजह से हर कंपनी आज क्लाउड के साइड मूव कर रही है। AWS तो चलो साइड करते हैं अभी थोड़ी देर के, राइट? ऐसा क्या बेनिफिट्स है कंपनी को? तो सिंपल सी भाषा में देखो, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में समझाऊं तो क्लाउड आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर किस चीज का? ईच एंड एवरीथिंग। आप ऐसे माइंड में सेट कर लो कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है किस चीज का? हर चीज का। देखो, हर कंपनी का मोटिव होता है कि उसे अपने बिजनेस के साइड फोकस करना। हर कंपनी का मोटिव होता है कि से उसे अपने बिजनेस के साइड फोकस करना, लेकिन उस बिजनेस को रन करने के लिए जब बात आती है कि कोई भी कंपनी अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाने के लिए सोचती है, तो उनको फिर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उनको डेटा सेंटर बनाना होता है। डेटा सेंटर बनाने के लिए रिसोर्सेस चाहिए होते हैं, कंप्यूटर्स, फायरवॉल, नेटवर्क डिवाइसेस, केबल्स, स्टोरेज, एयर कंडीशन सिस्टम, पेस्ट कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी चीजें चाहिए होती, फिजिकल बिल्डिंग, सिक्योरिटी गार्ड, उसके बाद हार्डवेयर के ऊपर सॉफ्टवेयर लोड करना है। तो जब कंपनी अपने बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाने के लिए ये फिजिकल रिसोर्सेस सेटअप खुद से करते हैं, ऑन प्रमाइसेस बिल्डिंग में करते हैं, तो कॉस्ट हाई चला जाता है। क्यों कॉस्ट हाई चला जाता है? क्योंकि कभी किसी को नहीं पता होता कि आपने एक प्लानिंग प्लॉटिंग की कि इस बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाने के लिए इतने कॉस्ट का रिसोर्सेस लगेगा, लाइक 2 करोड़ रुपीज अपफ्रंट कॉस्ट लग रहा है, 5 CR अपफ्रंट कॉस्ट लग रहा है। आपने अपफ्रंट कॉस्ट लगाकर सेटअप को ऑन किया, कल को सेटअप सक्सेसफुल है या नहीं है इसकी गारंटी किसी के पास नहीं है। अगर सक्सेसफुल है तो ठीक है, सक्सेसफुल नहीं है तो आपके अपफ्रंट कॉस्ट है, आपने वो रिसोर्सेज जहां से बाय किया है वो आप वो रिफंड नहीं लेने वाला, वो रिटर्न नहीं लेगा, आप रिटर्न लेके रिफंड नहीं करेगा। और मान लो अगर आपने सक्सेसफुल है और लगा भी दिया तो उसको मेंटेनेंस कॉस्ट हाई जाएगा, क्योंकि सब कुछ आपकी प्रमाइसेस में, उसके मेंटेनेंस कॉस्ट हर एक दिन कोई ना कोई सर्वर डैमेज हो रहा है, हर एक दिन एयर कंडीशन डैमेज हो रहे हैं, या जो आपने रिसोर्सेस लगाए उसकी एक लाइफ टाइम, एक उसकी लाइफ होती है, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, उसके बाद वो हार्डवेयर आपको रिप्लेस करना है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट। उसके बाद इस इतने सारे रिसोर्सेस को मैनेज करने के लिए एक हाई मैन पावर्स आपको चाहिए, नंबर ऑफ मैन पावर्स चाहिए आप। फिर उसके बाद इससे भी बड़ी प्रॉब्लम्स, कल को आपको डेटा सेंटर उस लोकेशन से माइग्रेट करके डिफरेंट लोकेशन में जाना है, एक बहुत बड़ा चैलेंज आपके सामने आ गया, माइग्रेट करना। क्या आपका डेटा सेंटर आज नोएडा में है, आप उसे माइग्रेट करके बैंगलोर लेके जा रहे हैं, एक आपके पास बिग टास्क आ गया। कल को कुछ नेचुरल डिजास्टर होती है तो आपके पास सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब नेचुरल डिजास्टर में कुछ भी हो सकता है, आपके डेटा सेंटर में कुछ भी हो सकता है, फायर हो गया, एक्स वाई जेड,
तो ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती थी जब क्लाउड नहीं था। जब से क्लाउड प्रोवाइडर मार्केट में अवेलेबल है, तो अब हम लोग अपने बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट करने के लिए, जब हमें डेटा सेंटर्स क्रिएट करने की नीड पड़ती है, तो अब हमें उतना नहीं सोचना पड़ता, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं? हमारे पास ऑप्शंस आ चुके हैं। हम क्लाउड पे जाते हैं, वहां पे रिसोर्सेस उनसे रेट लेते हैं, वो हमें रिसोर्सेस एज अ सेल नहीं कर रहे होते हैं, एज अ रेंट पे आप वो आपको देते हैं। आपने उनसे रिसोर्सेस लिया और उन रिसोर्सेस को लेकर आपने अपना वहां पर डेटा सेंटर तैयार किया। तो कल भी डेटा सेंटर तैयार हो रहा था, आज भी डेटा सेंटर तैयार हो रहा है। कल डेटा सेंटर तैयार करने के लिए फिजिकल रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते थे, आज डेटा सेंटर तैयार करने के लिए वर्चुअल रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ यही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। कल भी डेटा सेंटर बनता था, आज भी डेटा सेंटर बनता है। डिफरेंस सिर्फ ये है, कल डेटा सेंटर बनाने के लिए फिजिकल रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते थे, आज डेटा सेंटर बनाने के लिए वर्चुअल रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। कंसेप्ट सेम है। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा पहले डेटा सेंटर बनाया है तो क्लाउड पे आने के बाद उसके लिए कुछ नया है। नहीं है सर, उसके लिए आज भी वो पुरानी चीजें हैं। उसका कंसेप्ट आज भी वही पुराना यूज होने वाला, उसकी वही पुरानी नॉलेज यहाँ पे भी यूज होने वाली है। सिर्फ उसे जो लर्न करना है, जो नॉलेज एक्स्ट्रा गेन करनी है, वो सिर्फ ये है कि ठीक है भाई, मैं फिजिकल पे इस तरीके से करता था, जरा क्लाउड पे देखते हैं कि यहाँ पे वर्चुअल कैसे करते हैं, वर्चुअल रिसोर्सेस कैसे यूज करते हैं, वर्चुअल रिसोर्सेस कैसे। सिर्फ आप समझ लो यहाँ पे सेलर बदल गया है बस आपका। वहां पे सेलर कौन था? शॉप वाले होते थे, कि आप शॉप पे जाके राउटर्स ला रहे हो, सर्वर्स ला रहे हो, फायरवॉल्स ला रहे हो। यहाँ पे सेलर कौन है? क्लाउड प्रोवाइडर था। कौन क्लाउड प्रोवाइडर? AWS, माइक्रोसॉफ्ट एजोर, गूगल कंपनी का गूगल क्लाउड, ये सेलर है। ये आपको रिसोर्सेस दे रहे हैं अपनी प्लेटफॉर्म में, ऐसा वर्चुअली सेल नहीं कर रहे। आपको कह रहे हैं आपको जो चाहिए, जितनी कैपेसिटी का चाहिए आप इसे लिए, इसका रेट देखें, प्राइस क्या है, और आप यूज करें। हम एक पर आवर्स के अकॉर्डिंग आपसे प्राइस चार्ज करेंगे। अपने नीड के हिसाब से आप खुद सिलेक्शन कर लें, जितनी आपको जरूरत है उतना रिसोर्सेस आप हमसे खुद सिलेक्शन करके आप ले ले, उसका आप रेट देख ले, पर आवर से इतना आप अपना कैलकुलेट कर ले, आपका मंथली कितना पड़ेगा। समझ आई इतनी लाइन? यस कंफर्म कर सकते हैं? सर, ठीक है। तो यहां पे आने के बाद क्या है कि क्लाउड पे आने के बाद आपको यहां पे भी डेटा सेंटर लगाना है। यहां पे डेटा सेंटर लगाने के लिए आपको हर एक चीजें मिल जाती हैं। अब बात आती है, डेटा सेंटर आपने लगा दिया, अब डेटा सेंटर लगाने के बाद समझ लो, डेटा सेंटर लगाने में जो जो आपको चाहिए, जो जो चाहिए का मतलब क्या होता है, फिजिकल इनिशियल स्टेज से लेके एंड स्टेज तक हर चीजें मिल जाती है। अभी इनिशियल स्टेज क्या है और एंड स्टेज क्या है, तो जरा फोकस करो कि एक कंपनी को डेटा सेंटर क्यों चाहिए, इस बात को समझो पहले। एक कंपनी को डेटा सेंटर क्यों चाहिए? उस कंपनी ने सोचा कि मैं अभी अपना जो बिजनेस कर रहा हूं वो फिजिकल चल रहा है, वहां पे कंप्यूटर का सिस्टम नहीं यूज हो रहा। उन्होंने सोचा कि अपना बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं हम लोग। मान लो हमारी इंडियन रेलवे है, पहले इंडियन रेलवे के पास कोई भी ऑनलाइन सिस्टम नहीं होता था। तो जब इंडियन रेलवे के पास कोई भी ऑनलाइन सिस्टम नहीं होता था, तो किसी को भी अगर किसी डेस्टिनेशन पे जाना है तो आप प्लेटफॉर्म पे जाएं, वहां टिकट बाय करें। आपको रिजर्वेशन कराना है तो रिजर्वेशन काउंटर अलग होता था,
लोग रिजर्वेशन काउंटर पे लाइन लगाकर रिजर्वेशन वाली टिकट बुक करते थे। एग्री करते हो मेरी बात को? ये कोई 20 साल पुरानी वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये अगर 10 साल पुरानी वाली बात कर रहा हूं मैं। गलत बोल रहा हूं तो बताओ मैं। सर आज से ठीक 10 साल पहले आपको इंडियन रेलवे की अगर टिकट बुक करनी होती थी तो आप प्लेटफॉर्म पे जाते थे। आज क्या है, आपको प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं, आप ऑनलाइन बैठकर अपनी टिकट्स को बुक कर लेते हो, रिजर्व कर लेते हो, ट्रेन का स्टेटस देख लेते हो, एक्स वाई जेड सारा कुछ। तो अब ये ऑनलाइन जाना लेके जाने शिफ्ट करने की अगर इन्होंने सोचा तो इनको क्या चाहिए, सारी चीजें नीट पड़ेंगी। तो इन्होंने पूरा डेटा सेंटर तैयार कर दिया। डेटा सेंटर किसके अकॉर्डिंग तैयार किया? डेटा सेंटर उन्होंने तैयार किया एक करंट डेटा के अकॉर्डिंग। उन्होंने देखा कि एक दिन में पूरे इंडिया से कितने टिकट्स बुक हो जाते हैं, कितने पैसेंजर टिकट्स को बाय करते, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग की, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किए, मोबाइल एप्लीकेशंस बनाया, वेब एप्लीकेशंस बनाए, डेवलपर के थ्रू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया, और उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को फिर उन्होंने किसी कंप्यूटर पे डिप्लॉय करने का प्लान किया। तो उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए उनको क्या चाहिए? उनको कंप्यूटर्स चाहिए। क्या चाहिए? कंप्यूटर्स चाहिए। क्या एक कंप्यूटर पे काम होगा? सवाल उठता है, नहीं, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स चाहिए। ठीक है, फिर कंप्यूटर्स के आगे क्या चाहिए? लोड बैलेंसर चाहिए, फिर फायरवॉल चाहिए, राउटर्स चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। फिर उसके बाद इन्होंने डेवलपर से जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करवाए हैं उन सॉफ्टवेयर में भी डे बाय डे या वीक में, मंथ में चेंजेस करने होते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चेंजेस के बाद उसको रिव्यू करना होता है। तो मैनुअल रिव्यू कर रहे हो आप या ऑटोमेशन? आप सबको पता है मैनुअल रिव्यू होगा तो टाइम लगेगा, तो ऑटोमेशन रिव्यू आ गए। ऑटोमेशन रिव्यू मतलब ऑटोमेशन टूल आ गए। तो क्लाउड प्रोवाइडर कहते हैं कि वो टूल भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, रेडी टू मूव। रेडी टू मूव का मतलब हम अपनी रेडी टू मूव सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चल रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जब चलता है तो उसे बिल्ड करना पड़ता है। तो क्लाउड प्रोवाइडर कहते हैं कि हम आपको बिल्ड टूल भी प्रोवाइड करते हैं। कंप्यूटर्स के लिए EC2 हम प्रोवाइड करते हैं, लोड बैलेंसर के लिए हम सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इनिशियल स्टेज का मतलब मेरा क्या था कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जहां से होना स्टार्ट होता है वहां से और कस्टमर को डिलीवरी तक, कि उसको पूरी वेबसाइट देखे www.irctc.com प्रॉपर, ये डिलीवरी हो गया। तो इनिशियल स्टेज से एंड स्टेज तक हर चीज प्रोवाइड करते हैं सर, ये हर चीज, मॉनिटरिंग की सर्विस, ब्लॉकचेन की सर्विस, मशीन लर्निंग की सर्विस, डेवऑप्स की सर्विस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विस, A to Z आपको प्रोवाइड करते हैं। समझ आई मेरी बात? ये लाइन हाँ जी ले रहा है। अच्छा अच्छा मुझे बताओ, आप आई थिंक आप सबके पास AWS का अकाउंट होगा या फिर आप लोग बनाओगे? मेरे पास नहीं है सर, नहीं पहले कभी बनाया है? बनाया सर। अच्छा ठीक है। आप अपनी और किसके पास नहीं है?
सब मेरे पास। आपके पास भी नहीं है, ठीक है। और बाकी आप लोग सबके पास अकाउंट है, आप लोगों ने बना रखा है? यस संजय, जी, स्वप्निल आपके पास है? ठीक हाँ मैंने बहुत बार बनाया, यूज ही करता हूँ मैं है, पैसे। तो जिनके पास नहीं उनमें से कौन अकाउंट बनाएगा? जिसको अकाउंट बनाना, अपनी स्क्रीन शेयर कर दो, मैं गाइड करता जाऊंगा, तो सब लोग देख भी लेंगे अकाउंट कैसे बनता है एक बार। हेलो सर, मैंने मोबाइल पे ज्वाइन किया है क्योंकि मेरे घर पे वाईफाई नहीं कोई है, नहीं, तो और नेक्स्ट पर्सन जो प्रमोद, और मेरे अकॉर्डिंग इंट्रो की नीड तो अब ज्यादा नहीं होगी ना, मैंने जितना बताया था सफिशियंट है ना? और तो नहीं जानना ना इंट्रो में? ये सब तो बेसिक चीजें आप लोग पहले से भी कहीं ना कहीं से गूगल वगैरह करते तो हो गई पहले, है यस ना? मोर प्रैक्टिकल रहेंगे तो हाँ, बहुत मेन अच्छा। प्रैक्टिकल है, क्योंकि इंट्रो में ज्यादा यस चले जाएंगे तो टाइम वेस्टिंग ना हो। मैं कंफर्म कर रहा हूँ, आप सब लोग एग्री करते हो ना? नहीं तो मेरे पास तो इंट्रो के लिए 3 घंटे का डेटा है। हाँ, यहाँ पे आप लॉगिन करें। ठीक है, क्रिएट ए न्यू अकाउंट में क्लिक करें आप। सर स्क्रीन छोटी दिख रही है। छोट कोई दिक्कत नहीं, वो उन्होंने शेयर किया था इसलिए छोटी दिख रही है, क्योंकि आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी ना। यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आया होगा आप। इनबॉक्स में जाओ एक बार फिर से। सर ऐसा तो नहीं है क्योंकि मैं एक बार ये ईमेल आईडी यूज कर चुका हूँ। हाँ, फिर ये बन गया होगा फिर इसके, ये आया ना वेरिफिकेशन कोड, साइन इन इनटू ऑलरेडी ऑलरेडी है। ठीक है, रेडी दूसरी ईमेल आईडी उसका, मतलब हाँ, आपने भी बनाए रखे। मतलब सर वो पहले यूज कर चुका हूँ अच्छा सर, अच्छा ठीक है, अभी के लिए नहीं है मेरे पास कोई न्यू अकाउंट। कोई नहीं, नया बना लो, नया जीमेल आईडी चाहिए फिर। हाँ मैं वही करता हूँ। सर मेरे पे दो चीजें दोनों हो चुकी है सर। तो एक दोनों नई ईमेल आईडी आप बनाओ, नई ईमेल आईडी, जीमेल की एक नई ईमेल आईडी बनाओ। हेलो,
बढ़िया बढ़िया तंजीर भाई, कैसे हैं आप? आई थिंक उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया क्या शेयरिंग के चक्कर में? मेरी स्क्रीन दिख रही सबको? मैं संजय ठीक है, मेरी स्क्रीन सबको दिख रही नहीं, कोई नहीं, चलो। आप सबके पास तो अकाउंट है ही ना? ठीक यस है, यस चलो, तो सबसे पहला इनिशियल स्टेज का जो काम होता है, ठीक है, अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन जा रहा है तो सबसे पहले काम होता है कि आपको ना एक डेटा सेंटर पहले सेटअप करना पड़ेगा, नेटवर्किंग सेटअप आपको पहले करनी पड़ेगी। नेटवर्किंग सेटअप हम लोग इसलिए पहले करते हैं क्योंकि सबसे पहले जब नेटवर्किंग सेटअप हो जाएगा तो फिर आप कंप्यूटर लगा सकते हो जिससे कि उन कंप्यूटर को आईपी मिल सके, आप नेटवर्किंग डिवाइस लगा सकते हो जिससे कि उन नेटवर्किंग डिवाइसेस को आईपी मिल सके। तो ऑन प्रमाइसिस में जो नेटवर्किंग करते थे वो तो सारी चीजें फिजिकल होती थी, लेकिन यहाँ पे नेटवर्किंग करने के लिए इन्होंने वीपीसी कॉन्सेप्ट टॉपिक आपको दिया है, वीपीसी सर्विस। और वीपीसी स्टैंड फॉर होता है आपका वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। क्या? वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो अगर मैं वीपीसी की बात करूं तो आप जब भी एडब्ल्यूएस पे अकाउंट बनाते हो तो आपके अकाउंट में क्या होते हैं, बहुत सारे रीजन्स आपको देखने को मिलेंगे। रीजन्स रीजन्स, ये देखो नंबर ऑफ रीजन, ठीक है, ये नंबर ऑफ रीजन्स क्या है? ये रीजंस का मतलब है कि इन्होंने, AWS वालों ने इस कंट्री में अपने फिजिकल डेटा सेंटर लगा के रखे हैं और आपको रिकमेंड करते हैं कि आप अपने नियरेस्ट एरिया के डेटा सेंटर में अपने रिसोर्सेस को डिप्लॉय करो। ठीक है, नियरेस्ट एरिया का मतलब ऐसा नहीं होता कि मैं इंडिया में रहता हूं, मेरे पास कोई प्रोजेक्ट्स यूके से आया है
और मेरे लिए नियर मुंबई पड़ता है तो मैं मुंबई पे लगा दूँ। नहीं, आपको देखना है कि आपके जो क्लाइंट्स हैं, उन क्लाइंट्स के जो यूजर्स हैं, उनकी उनके लिए कौन सा नियर पड़ रहा है। आप अपना नियर मत देखना, आप यूजर्स का नियर देख। तो यूके का अगर मेरे पास कोई प्रोजेक्ट है और मोस्टली यूजर्स यूके में ही रहते हैं, तो मैं यूके के किसी रीजन में डेटा सेंटर लगाऊंगा जिससे कि उनको लेटेंसी लो आए। ठीक है, तो हर रीजन में आपको एक डिफॉल्ट वीपीसी देखने को मिलेगा। तो अगर मैं लंदन में जाऊं या पेरिस में जाऊं, कहीं पे भी जाता हूं, तो आपको दिखाता हूं यहां पर एक डिफॉल्ट वीपीसी आपको ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, जिससे कि आप कोई रिसोर्सेज डिप्लॉय करें तो आपके लिए डिफॉल्ट वीपीसी बना हुआ है। आप लोग क्या करें, कोई रिसोर्सेज डिप्लॉय करें तो आपके लिए वीपीसी ऑलरेडी रेडी है। इतना लेट लेट ज्वाइन कर रहे हो, मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, टाइम पे सॉरी ज्वाइन करो सर, मेरा आज। ठीक तो है, लेट हो गया था, रात को लेट आया था ना सर। कोई बात। तो डिफॉल्ट वीपीसी आपको देखने को मिलेगा यहां पे। अगर मैं आऊं वीपीसी सर्च, तो देखो मेरे को यहाँ पे डिफॉल्ट वीपीसी देखने को मिलेगा। सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। स्क्रीन शेयर है मेरी, किसी को नहीं दिख रही क्या स्क्रीन? विजिबल है, विजिबल है ना? ठीक अभी विजिबल है सर। है, तो ये पूरी विजुअल है ना। तो देखो, ये डिफॉल्ट वीपीसी, अगर मैं योर वीपीसी में आऊं तो मुझे यहां पर एक डिफॉल्ट वीपीसी यहां पे क्रिएटेड है। ये डिफॉल्ट वीपीसी इसलिए है कि आप कोई रिसोर्सेज डिप्लॉय करने जाओ तो डेटा सेंटर आपको बना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि AWS पे काम करने वाले हर एक बंदे एडमिन है, ठीक है, या AWS पे काम करने के लिए जरूरी नहीं कि हर एक बंदे को पहले एडमिन आनी चाहिए। नहीं, कोई डेवलपमेंट बैकग्राउंड का बंदा है तो उसे सिर्फ अपने डेवलपमेंट सर्विस से मतलब है। ठीक है, तो जब आप अपने अपने डेवलपमेंट सर्विस क्रिएट करने जाए तो उसके लिए एक वीपीसी पहले से बनाकर इन्होंने रख दिया है। लेकिन जब हम लोग बात करें सोल्यूशन आर्किटेक्ट की, तो वहां पर सोल्यूशन आर्किटेक्ट की प्रोफाइल पे आता है कि आपको अपना डेटा सेंटर खुद बनाना आना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री जब यूज करती है तो डिफॉल्ट वीपीसी का इस्तेमाल नहीं करती है, वो अपने वीपीसी खुद तैयार करते हैं अपने अकॉर्डिंग कि उन्हें कितने कंप्यूटर्स लगाने हैं, कितने आईपी एड्रेसेस चाहिए। तो क्रिएट वीपीसी में क्लिक करो तो आप अपनी वीपीसी बना सकते हो। तो यहां पर देखो वीपीसी ओनली, वीपीसी का नाम आप यहां पे दे दिया आर इंफ्रा हाइफन वीपीसी। अब आपसे कहता है कि वीपीसी का CIDR वैल्यू आप डिफाइन करें, कौन सा नेटवर्क आप बनाना चाहते। तो वीपीसी जब आप बनाने जाएंगे तो वहां पे आपको CIDR वैल्यू देनी है, और वो CIDR वैल्यू देनी है जो आपका फ्री आईपी में आता है। आपने पहले कभी आईपी एड्रेसेस की क्लासेस अगर अटेंड की होंगी तो आपको पता है कि IPv4 में, ठीक है, पांच क्लासेस होती हैं, क्लास A B C D E, जिसमें आपको पता होगा कि ई और डी हम यूज नहीं कर सकते, राइट? ई आपका रिसर्च सेंटर के लिए और डी आपका मल्टीकास्टिंग के लिए है। A B C तीन क्लासेस की आईपी हम लोग यूज करते हैं। इन तीन क्लासेस में भी हम लोग तीन रेंज यूज कर सकते हैं अपना प्राइवेट डेटा सेंटर बनाने के लिए। क्लास ए में से 10 का रेंज, क्लास बी में से 172 का रेंज, क्लास सी में से 192 का रेंज। बाकी कोई आईपी हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो सारी पेड होती है। तो क्लास ए में से मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना प्राइवेट डेटा सेंटर इस रेंज का बनाऊंगा, 10.0.0.16। उसके बाद मैंने यहां पे क्रिएट किया, तो ये मेरा वीपीसी बन गया। आप देखें, आपको एक वीपीसी की आईडी मिल गई है, ठीक है, पूरी आपका वीपीसी
क्रिएट हो गया। आपने AWS पे गए और आपने AWS पे जाकर अपनी एक बाउंड्री खींच ली है। VPC मींस बाउंड्री। क्या है बाउंड्री? आपने एक बाउंड्री खींच ली है जिसका नाम आपने आर इंफ्रा रखा है। ये क्या हो रहा है? आपने क्या किया? एक बाउंड्री खींच ली है, उसका रेंज आपने ये रखा है। ये जैसे आपने पब्लिक, आपने प्लॉट ले लिया है और प्लॉट में आपने बाउंड्री वॉल कर दिया है, तो प्लॉट आपने जहां लिया है वो एक पब्लिक प्लेस है, लेकिन उस पब्लिक प्लेस में आपने अपनी एक बाउंड्री खींच दी और आप बोल रहे हो ये अब मेरा प्राइवेट प्लेस हो गया। ठीक वैसे ही आपने AWS पे गए और आपने एक बाउंड्री खींच दी, और जब आपने बाउंड्री खींच दी तो ये आपका प्राइवेट हो गया। अब आप सारी रिसोर्सेस इस बाउंड्री के अंदर ही लगाओगे, चाहे वो डेवऑप्स की रिसोर्सेस हो, सर्विसेस हो, चाहे वो डेटा सेंटर डिप्लॉयमेंट की सर्विस हो, चाहे वो मशीन लर्निंग की सर्विस हो, चाहे वो डॉकर कंटेनर की सर्विस हो, चाहे वो कुबरनेटिस की सर्विस हो, कुछ भी हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सर्विस हो, सेलेनियम की सर्विस हो, कोड रिव्यू की सर्विस हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सर्विस हो, सॉफ्टवेयर मॉनिटरिंग की सर्विस हो, A to Z जो भी सर्विस अब आपको यहां पे लगाना है आप अपनी बाउंड्री के अंदर लगाओ। और जब सारी सर्विस लग गई, तैयार हो गया, बिजनेस चलना स्टार्ट हो गया, तो यू कैन कॉल माई प्राइवेट डेटा सेंटर सेटअप ऑन AWS क्लाउड। आप कॉल कर सकते हो, तब जाकर कंपनी बोलती है कि हमारा डेटा सेंटर क्लाउड पे लगाओ और वो प्राइवेट है। तो पूरा खेल यही सीखना होता है कि अपनी VPC बनाना कुछ नहीं है। VPC आपने देखा, एक क्लिक किया VPC बन गया। सवाल ये उठता है कि इसके अंदर मैं अपने रिसोर्सेस किस तरीके से लगाऊंगा। ऐसा नहीं कि भेड़ बकरियों की तरह से क्रिएट कर करके लगा दिया, नहीं, क्रिएट करने के बाद प्रॉपर आर्किटेक्चर के साथ होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, चीजें आपस में इंटीग्रेट होंगी, एक सर्विस दूसरी सर्विस। आपने चीजें क्रिएट तो कर ली है, आप अपने यूज के अकॉर्डिंग क्रिएट करो। ऐसा नहीं है कि आपका जो यूज सर्विसेस आपने क्रिएट की, लेकिन जितना आपको यूज था उससे ज्यादा क्रिएट कर लिया, जितना आपको यूज था उससे कम क्रिएट कर लिया। कम क्रिएट कर लिया तो लोड उस पर ज्यादा आ जाएगा, ज्यादा क्रिएट कर लिया तो कंपनी का कॉस्ट हाई चला जाएगा। बजट के अकॉर्डिंग पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करनी पड़ती है। तो ये प्लानिंग प्लॉटिंग करना, उसको लगाना, उसको ऑपरेट करना, यही पूरा काम होता है AWS का। समझ आई मेरी बात यहां पर? ये हाँ जी, यस किसी को डाउट है? यस सर, डाउट है, बताओ क्या डाउट। नो डाउट सर। ठीक जा रहा है ना? समझ आ रहा सबको ना? यस सर, सर वो जीमेल क्रिएट करने पे सर वेरिफिकेशन नहीं हो पा क्या? रहा है एक्चुअली। जीमेल अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ ना सर, वो क्या कहते हैं मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, वो चार्जिंग में अप्लाई कर रहा है मतलब। अच्छा, कोई नहीं, एक बार हाँ अपना चेक कर लेना मोबाइल नंबर। हाँ वो मैं कर दूंगा।
जस्ट एक मिनट, चलो ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, अब हमें डिसाइड करना पड़ता है कि भाई हम अपनी वीपीसी बाउंड्री तो कर लिए, लेकिन हम अपना सेटअप जब तैयार करेंगे तो हमें क्या क्या चीज चाहिए। तो देखो, कंपनी को एक फ्रंट एंड सर्वर चाहिए होता है, एक बैक एंड सर्वर चाहिए होता है, और एक डेटाबेस सर्वर चाहिए होता है। तो कंपनी ने क्या किया, यहां पर नेटवर्क्स क्रिएट कर लिए। एक नेटवर्क बना लिया उन्होंने डेटाबेस के लिए, एक नेटवर्क बना लिया उन्होंने बैक एंड सर्वर्स के लिए, एक नेटवर्क उन्होंने बना लिया फ्रंट एंड सर्वर्स के लिए। तो उन्होंने क्या किया, एक नेटवर्क उन्होंने बना लिया डेटाबेस DB, एक नेटवर्क उन्होंने बना लिया DB, एक नेटवर्क उन्होंने बना लिया बैकएंड, और एक नेटवर्क उन्होंने बना लिया फ्रंट एंड। ये ठीक है, अभी प्लानिंग कर रहे हैं। और इंडस्ट्री के अंदर अगर इंडस्ट्री कल्चर की हम लोग बात करें तो एक एक नेटवर्क भी नहीं बनाते सर, पता है, मिनिमम दो दो नेटवर्क बनाते हैं। क्या करते हैं, इंडस्ट्री के अंदर मिनिमम दो दो नेटवर्क बनाएंगे, मतलब वो बोलेंगे दो नेटवर्क फॉर दी डेटाबेस, दो नेटवर्क फॉर दी बैकएंड सर्वर, दो नेटवर्क फॉर दी फ्रंट एंड सर्वर, ऐसे करेंगे इंडस्ट्री में। क्यों करेंगे, और ये नेटवर्क अब जैसे वीपीसी के अंदर जब हम लोग देखो यहाँ पे जाते हैं, जब हम लोग रीजन में जाते हैं तो यहाँ पे जोन्स होते हैं, देखो जोन होते हैं। जैसे ये मैं पेरिस के अंदर हूँ, ठीक है, पेरिस एक रीजन हो गया, इसके अंदर मेरे को जोन मिलेगा, और जोन क्या होता है, जोन मीन्स डेटा सेंटर एक प्रकार। जैसे इसके अंदर देखो तीन जोन है, अगर मैं नॉर्दर्न वर्जीनिया में जाऊं तो मुझे छह जोन मिलेंगे, मतलब नॉर्दर्न वर्जीनिया डेटा सेंटर में छह रीजन में छह डेटा सेंटर, इन्होंने छह बिल्डिंग्स अलग अलग डेटा सेंटर के, छह जोन यहां पर है। देखो यहां पर छह जोन है, तीन ही हो गए, आई थिंक सात जोन है, तो इसके अंदर सात जोन है। तो जब आप नेटवर्क बनाओगे तो आपसे कहते हैं कि हर नेटवर्क को अलग अलग जोन में रखें, तो ये मेरा, सर सर मिर्जा बात कर रहा हूँ हाँ मिर्जा बोल। सर, इंडिया में कितने जोन है अपने? मिर्जा आप जाके खुद दे सकते हो, इंडिया में मुंबई रीजन में जाओ, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कितने जोन है। ओके सर, इंडिया में तीन जोन है। तो जब भी आप डेटा सेंटर की प्लानिंग प्लॉटिंग करें तो आपने वीपीसी कहाँ डिप्लॉय कर लिया, पेरिस रीजन में। अब उसके अंदर देखो नंबर ऑफ डेटा सेंटर है, तो मैंने क्या किया, मैंने दो डेटाबेस सबनेट बनाए, DB1 एंड DB2। मैंने DB1 एंड DB2,
DB2। और DB1 को अगर मैंने जोन वन पे बनाया है तो DB2 को जोन टू में बनाऊंगा, वन पे मत बना देना। ये नेटवर्क अगर मैंने जोन वन पे बनाया है तो इसको मैं जोन टू पे बना रहा हूं। इससे बेनिफिट यह होता है कि कल को आप अपने डेटाबेस सर्वर्स अगर लॉन्च करते हो, मान लो मैंने 4 डेटाबेस सर्वर्स लॉन्च किए हैं, तो कहा जाता है कि 4 के 4 डेटाबेस सर्वर आप एक ही नेटवर्क पे मत रखना। एक ही नेटवर्क पे अगर रख दिया तो नेटवर्क किसी एक जोन में होगा, अगर वो जोन क्रैश हो गया तो आपको हाई अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी, आपका क्रैश हो गया, सब खत्म हो गया। इसीलिए आपको रिकमेंड करते हैं कि आप अपने डेटाबेस सर्वर्स को डिप्लॉय करने के लिए मिनिमम 2 नेटवर्क लें, और ध्यान में रखें कि दोनों नेटवर्क डिफरेंट डिफरेंट जोन में हो, जिससे कि अगर वो जोन जोन क्रैश हो तो नेटवर्क क्रैश हो, एटलीस्ट दूसरा नेटवर्क आपका सही सलामत बचा रहे। तो मान लो अगर आपके 2 डेटाबेस इस नेटवर्क पे हैं और 2 डेटाबेस इस नेटवर्क पे हैं, तो आपको एक हाई अवेलेबिलिटी मिल रही है। कल को अगर ये नेटवर्क किसी जोन में है, वो जोन अगर क्रैश हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके ये दोनों डेटाबेस इस जोन में शिफ्ट हो जाएंगे, इस नेटवर्क पे शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी प्लानिंग प्लॉटिंग एक ही नेटवर्क को लेकर है और वो नेटवर्क किसी जोन में है, अगर वो क्रैश हो गया तो पूरा डेटाबेस डाउन हो जाएगा, डेटाबेस सर्विस खत्म। समझ आई मेरी बात यहां पर? तो इंडस्ट्री के अंदर मिनिमम 2 नेटवर्क लेके चलते, कितना लेके चलते हैं सर? हाँ जी, और यही प्लानिंग प्लॉटिंग जो इंसान करता है उसको सोल्यूशन आर्किटेक्ट कहा जाता है। यही प्लानिंग प्लॉटिंग जो मैं अभी कर रहा हूं, बाकी प्रैक्टिशनर का बंदा ये प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करता, उसको तो सिर्फ कह दिया जाता है कि आप जाकर सबमिट बना दो, तो चुपचाप जाके सबमिट बना देगा। उसको कह दो बीपीसी बना दो तो चुपचाप बीपीसी बना देगा, उसको नहीं पता होगा कि बीपीसी के आर्किटेक्चर क्या है, नहीं वो चुपचाप बना देगा। तो आपने क्या किया, ऐसे ही 2 सबनेट आपने बना के रखे बैक एंड सर्वर के लिए। F1 एंड F2। और फिर यहां पर भी आपके पास अगर 4 ऐप बैकएंड सर्वर हैं F1 एंड F2। ये लो, तो ये नेटवर्क आप बना रहे हो, उसके बाद जो इंस्टेंस आप बनाओगे तो आपको ध्यान में रखना होगा डिप्लॉयमेंट करते टाइम,
उसके बाद कंपनी क्या करती है, ये नेटवर्क सारे, ये दो नेटवर्क हो गए डेटाबेस के, ये दो नेटवर्क हो गए बैकएंड सर्वर के, ये दो नेटवर्क हो गए फ्रंट एंड सर्वर के, लेकिन ये सब प्राइवेट है सर, ये पूरा प्राइवेट है। अब आपने डेटा सेंटर डिप्लॉयमेंट तो कर दिया, लेकिन आपके जो कस्टमर्स हैं, आपके जो यूजर्स हैं, आप जिस क्लाइंट के लिए लगा रहे हैं उनके जो यूजर्स हैं, वो तो भाई साहब इंटरनेट में बैठे हुए हैं, इंटरनेट में बैठे हुए हैं, इंटरनेट में ये बैठे हुए हैं जो फ्रंट एंड को एक्सेस करेंगे, लेकिन वो कैसे आएंगे, ये तो टोटल प्राइवेट है। तो आपको यहां पर गेट लगाना होगा, इंटरनेट गेट पे। क्या लगाना होगा? इंटरनेट गेट पे होगा, जो आपके डेटा सेंटर पे कोई भी बाहर से आएगा और अंदर से कोई बाहर जाएगा तो इस गेट वे से होकर बाहर निकलेगा, IGW, इंटरनेट गेटवे। जैसे इंडस्ट्री के अंदर होता है ना, ISP कनेक्शन लेते हैं, सेम इंटरनेट गेट, ये इंटरनेट गेटवे इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है, और इधर VPC। लेकिन हम चाहते हैं कोई भी बंदा डायरेक्ट हमारे फ्रंट एंड सर्वर पे ना आ पाए, डायरेक्ट हमारे ऐप पे ना आ पाए, डायरेक्ट हमारे डेटाबेस पे ना आ पाए। तो हमने अब सोचा कि कुछ पब्लिक फेसिंग डिवाइस लगाएंगे, और पब्लिक फेसिंग डिवाइस की हाई अवेलेबिलिटी के लिए यहां पर हमने दो सबनेट्स और बना लिए, दो सबनेट्स हमने और बना लिए। पब्लिक वन पब्लिक वन एंड पब्लिक टू, पब्लिक टू, पब्लिक वन एंड पब्लिक टू। हमने कहा कोई भी बाहर से अगर आएगा तो हमारे इस लोड बैलेंसर पे आएगा, ये हमारा लोड बैलेंसर डिवाइस। अब इस लोड बैलेंसर को हमने इन दोनों सबनेट्स पे डिप्लॉय किया है कि एक डिप्लॉय अगर क्रैश हो जाए तो दूसरा रनिंग रहे, ये हमारा लोड बैलेंसर LB। यहाँ तो हमने क्या किया, हमने ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग की, किसी को भी अगर आना है तो आए लोड बैलेंसर, और लोड बैलेंसर के बैकएंड में हमने ये सारे फ्रंट एंड सर्वर मैप्ड कर दिए। अभी चार हैं तो चार हैं, कल 40 होंगे तो 40 हो, तो किसी को भी बाहर से आना है वो हमारे लोड बैलेंसर पे, लोड बैलेंसर से यहां जाए। अब यहां से अगर बैकएंड में जाना है तो हमने क्या किया, बैकएंड में भी एक लोड बैलेंसर लगा दिया। क्या लगा दिया? बैकएंड सर्वर और फ्रंट एंड सर्वर के बीच में एक लोड बैलेंसर लगा दिया। कि बाहर से कोई फ्रंट एंड पे आता था तो लोड बैलेंसर पे, लोड बैलेंसर इधर चला गया। अब इन सर्वर को अगर बैकएंड पे जाना है तो ये सर्वर को हमने बोला कि आप को अगर बैकएंड में जाना है तो आप इस लोड बैलेंसर के थ्रू जाओगे, और लोड बैलेंसर क्या करता है, सबको इक्वली ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर बैकएंड से डेटाबेस पे जाना है तो हमने यहां पर भी एक लोड बैलेंसर लगा। यहां पर भी क्या किया हमने, एक लोड बैलेंसर सेटअप कर दिया। समझ आ रही है आर्किटेक्चर? हाँ जी, क्या सर के ऊपर से जा रहा समझ में आ रही है सर।
सबको आ रही है? जी सर, आज तो बेस्ट। तो ये प्लानिंग प्लॉटिंग तो आपने कर ली, लेकिन इस पे नेटवर्क तो अभी तक हमने डिसाइड ही नहीं किया कि कौन सा आईपी रखना है। तो उसके लिए फिर आपको नेटवर्किंग टीम से हेल्प लेनी पड़ेगी। भाई यार कर जरा सबनेटिंग करके दिखा दे यार मेरे को, मेरे को 8 सबनेटिंग का आ गया। अगर नेटवर्किंग की टीम नहीं है तो आप खुद से सबनेट निकाल सकते हो वाया ऑनलाइन कैलकुलेटर, वाया ऑनलाइन कैलकुलेटर। तो मैं यहां पर गया, VLSM कैलकुलेटर, यहां पर मैंने अपना मेजर नेटवर्क डाला जो मेरा बीबीसी का नेटवर्क था। यहाँ मैंने बोला कि मुझे टोटल 8 नेटवर्क बनाने हैं और पर नेटवर्क पे मुझे 200 से 250 IP चाहिए हर नेटवर्क पे। तो मुझे 250 IP चाहिए। यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखो मुझे नेटवर्क मिला, ये नेटवर्क देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 तक है। तो अब मैं ये सारे नेटवर्क यहाँ पर इंप्लीमेंट करूंगा। अभी मैं कागज में कर रहा हूँ, बाद में AWS पे करूँ। तो मैंने बोला यहाँ पे मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ 10.0.0. ये ना बड़े /24 यहां पे डिप्लॉय करूंगा मैं 10.0.0.1.0/24। यहाँ पे डिप्लॉय करूंगा मैं 10.0.0.2.0/24। यहाँ पे डिप्लॉय करूंगा 10.0.0.0.3.0/24। यहाँ पे डिप्लॉय करूंगा 10.0.4.0/24। /24 यहाँ पे डिप्लॉय करूंगा 10.0.6.0/24। यहाँ पे डिप्लॉय करूंगा 10.0.7.0/24। ये जो मैं कर रहा हूँ यही काम होता है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट वाले इंजीनियर का। ये एक बार मैं कागज में बना लूंगा ना, तो मैं ऐसे प्रैक्टिशनर को जाके बोल दूंगा जाओ सबनेट बनाओ उसमें ये लगा दे, वो लगा देगा। जैसे VPC बनाने में क्या हुआ, कोई दिमाग लगा क्या, प्रैक्टिकली कुछ लिखे बन गया। बट जो सोचना है, जो आर्किटेक्चर है, वो मेन है। तो फटाफट ये चीज हम लोग अगर क्लाउड पे भी इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो अपने क्लाउड पे क्या, मैं यहां पर VPC मैंने बनाई वो रखी, लैपटॉप से ज्वाइन किया, ज्वाइन करा दिए सर। क्या नाम है, मिर्जा सर, नहीं आया अभी तक कोई रिक्वेस्ट। में तो
रिक्वेस्ट ही नहीं आई। दोबारा करते हो? ठीक, समझ तो आ रहा ना मेरे जब अच्छे से। जी सर, बस आधे घंटे ही मिस कर दी। बीपीएम पड़ा था सर मैंने तो, सॉरी बीपीसी। जी कोई नहीं, दोबारा पढ़ लो, आज का बीपीसी थोड़ा लो। सर, म्यूट कर लो आप। एक तो इसी चीज को फिजिकल इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं हम लोग। अभी देखो, हमारा बीपीसी पेरिस के अंदर बना था, हम वापस पेरिस में जाते हैं। अब मैं यहाँ पे सबमिट पे जाता हूँ और यहाँ पे क्रिएट सबमिट। फटाफट हम अपने 8 सबनेट डिप्लॉय कर लेते अपनी वीपीसी के अंदर। एक का नाम हमने लिख दिया DB1। ठीक है, सबनेट बनाते टाइम ध्यान रखना जोन अलग अलग रखना। ठीक है, जैसे डीबी के बना रहा हूं तो डीबी के दोनों सबनेट एक ही जोन में मत बना देना। इसको ए में बना रहा हूं तो दूसरा वाला बी में बनाऊंगा। 10.0. ट्वेंटी फोर, एड न्यू DB2, ये हो गया हमारा F1। इसको ए में, F2, F24, F1, तो देखो प्रैक्टिकल इसके कुछ भी नहीं है। कंसेप्ट समझ में आ जाए तो प्रैक्टिकल आपको खेल लगेगा बस। F2, अब ये हो गया हमारा पब्लिक फन।
एंड क्रिएट। तो मैंने देखो जो डायग्राम है था वो फिजिकल, मैंने वर्चुअली ठीक एडब्ल्यूएस में मैंने इम्प्लीमेंट कर ली। देखो ये हो गया, अब मैं क्या करूंगा, गेट में लगा लेते हैं बाहर से आने के लिए, अंदर से बाहर जाने, तो यहाँ पे गेटवे, तो गेटवे भी लगा लेते हैं साथ में, ये रहा इंटरनेट गेटवे, क्रिएट इंटरनेट गेटवे, आर नाम दे दिया आर इंफ्रा हाइफन IGW एंड गेट। इसको अटैच करना होगा अपने VPC के साथ, अटैच टू VPC, यहां पर एन अटैच इंटरनेट गेट। तो मैंने गेटवे भी क्रिएट कर लिया, अटैच भी कर लिया। अब देखो यहां तक क्लियर है सब, कंफर्म करो क्लियर है। ठीक यस सर, है, सबको क्लियर है या एक दो लोग को क्लियर है? सब लोग से मेरे को रिप्लाई आना चाहिए, देखो एक लोग से आने में मजा नहीं आएगा, सब लोग बताओ, सब लोग को क्लियर है तो मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा फिर। मुझे आई टी का समझ में है, तो अच्छा आपको IPs का समझ में, आई टी का समझ और नेक्स्ट, क्लियर और नेक्स्ट है अंकित सर, क्लियर क्लियर है, अंकित मिर्जा आपको क्लियर है, है अमृता आपको क्लियर है, ठीक सर, क्लियर है अभी तक, बहुत है गुड। बहुत बढ़िया, अमृता आपको क्लियर है, ठीक हाँ अभी तक ठीक है, है, और जमन आपको क्लियर है, ठीक जी सर, है, स्वप्निल आपको तो क्लियर ही होगा, ठीक है चलो यस। लग क्लियर है चलो। तो आपने क्या किया, इतनी चीजें डिप्लॉय कर ली, ये आपने क्रिएट किया, आपने इसके साथ अटैच किया। अब आपका नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये जो सबनेट्स हैं, ये जो एरिया है और ये जो एरिया है, इन दोनों एरिया को अलग अलग कैटेगरी में आपको रखना है। ये जो एरिया होगा, ये एरिया होगा टोटली प्राइवेट। टोटली प्राइवेट का मतलब बाहर से कोई भी इस एरिया पे एंटर नहीं कर सकता। तो बाहर से किसी को भी अगर एंटर करना है, लाइक चीजें एक्सेस करनी है, तो इस एरिया में आएगा। इस एरिया की डिवाइसेस फिर जाएंगी उस चीज को एक्सेस करने, इसलिए इसको हम लोग पब्लिक एरिया बोलते हैं, इसको प्राइवेट एरिया, इसको पब्लिक सबनेट्स बोलते हैं, इसको प्राइवेट सबनेट्स। लेकिन आपको ऐसी कुछ सेटिंग यहां पर इंप्लीमेंट करनी होगी जिससे ये कैटेगराइज हो पाए कि ये एरिया प्राइवेट है, ये एरिया, अभी तो सारे एरिया एक जैसे ही हैं। सर जी एक क्वेश्चन करूँ सर, जी बोले बोल रहा हूँ कि ये जो सर डेटाबेस सर्वर एप सर्वर जो है उसके नीचे जो चार है वो क्या सर VM है? अच्छा VM है सर, वो VM है, अच्छा वो सब VM, ठीक, ठीक लोकल है, वो सब VM। जिनका क्वेश्चन था IP एड्रेस समझ नहीं आया, उसको नोट डाउन कर लो, लास्ट में बता दूंगा, ठीक है, अभी नोट डाउन कर लो। ओके सर, ओके। तो अब इस एरिया को कैटेगराइज कैसे करोगे? तो इस एरिया को कैटेगराइज करने के लिए आपको राउटर्स लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे? राउटर्स, आप राउटर लोगे। राउटर्स आपको लेने पड़ेंगे अभी, और राउटर्स लेके आप क्या करोगे,
मैंने बोलना पड़ेगा कि ये दोनों सबनेट्स को इस राउटर के साथ एसोसिएट करो और इनको डायरेक्ट इंटरनेट गेटवे से कनेक्ट कर दो। तो ये एरिया अब हो जाएंगे पब्लिक एरिया, क्योंकि मैंने राउटर के थ्रू रूट डिफाइन कर दिया। और इन सबनेट्स को नहीं करूंगा तो ये प्राइवेट एरिया हो जाएंगे, तो राउटर्स लेने पड़े। तो ये वाला भी काम कर लेते हैं, कैसे करते हैं देखते हैं। रूट टेबल, क्रिएट रूट टेबल, नाम दे दिया पब्लिक हाइफन आरटी। अपनी वीपीसी एंड क्रिएट रूट रूट टेबल, सबनेट एसोसिएशन, एडिट सबनेट एसोसिएशन, इतने सारे सबनेट सर। मैंने बोला सिर्फ पब्लिक वन एंड पब्लिक टू क्रिएट। सबनेट मैंने एसोसिएट कर दिया, लेकिन अब मैं रूट डिफाइन करूंगा। रूट पे आके एडिट रूट, मैंने बोला कि ये जो दोनों सबनेट मैंने एसोसिएट किए हैं इनको इंटरनेट पे भेज दो। ये रहा इंटरनेट का वर्ल्ड वाइड एरिया IPv4 का, ऐसी IPv6 का ये रहा, इनको भेज दो। ये डेस्टिनेशन है, बट जाएंगे कहां से? इंटरनेट गेटवे। ये इंटरनेट गेट जाएंगे कैसे? इंटरनेट गेटवे, ये इंटरनेट गेट एंड सेफ चेंज। रूट डाल दिया मैंने, क्या सर अभी अभी आपने क्या क्या करा सर, जरा फिर से रिपीट करोगे? नाम है मतलब आपका? जो आपने, हाँ जी, नाम क्या है? आप प्रमोद सर? आप कहाँ थे अभी तक? नहीं, सर मैं देख रहा था सर, मैं ये वो क्या कहते हैं, जब आपने सबनेट और इंटरनेट गेटवे कनेक्ट कर लिए तो उसके बाद जो आपने कनेक्ट कर रहे थे सबनेट को पब्लिक के थ्रू, वो क्या मतलब उसमें क्या क्या कर रहे थे, मतलब मैं वो ओरली बता दीजिए भाई। मैंने राउट टेबल क्रिएट किया, राउट टेबल में इन दोनों को ऐड किया और रूट डिफाइन किया, बस। ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, देखो डायग्राम में ये काम मैंने इंप्लीमेंट कर दी। तो अब मैं इन दो सबनेट के अंदर कोई भी रिसोर्सेज बनाऊंगा वो पब्लिक फेसिंग है। जैसे मैंने लोड बैलेंसर बनाया, कल को मैं प्रॉक्सी सर्वर बनाऊंगा, कल को मैं फायरवॉल बनाऊंगा, कल को मैं वीपीएन बनाऊंगा। तो अब डेटा सेंटर के अंदर जितने भी पब्लिक फेसिंग रिसोर्सेस मुझे डिप्लॉय करने होंगे मैं यहाँ पे डिप्लॉय करूंगा, उस सब पब्लिक से बात करेंगे, क्योंकि मैंने रूल पहले से डिफाइन करके रख दिया है। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पे? हाँ जी, क्लियर है? यस दूसरी चीज, इतना हमने कर लिया। आप अब आपने इन ये डेटाबेस सर्वर हो गए, ये एप्लीकेशन सर्वर चार हो गए, ये वेब सर्वर हो गए चार, क्या कभी इनको इंटरनेट पे जाना नहीं होगा? बिल्कुल जाना होगा, कुछ पैच अपडेट करने। तो इनको इंटरनेट पे भेजना है तो क्या करो, इन सारे सबनेट्स को उठाओ और इस रूट टेबल पे ऐड कर दो, सारे जाने लग जाएंगे। लेकिन वही है कि प्लानिंग प्लॉटिंग खराब हो जाएगी आपकी, फिर वो प्राइवेट रखने का जो प्लान था वो खत्म। इंटरनेट भी देना है बट पब्लिक एक्सेस नहीं देनी, इंटरनेट चल जाए बट बाहर से कोई एक्सेस ना कर, तो प्रॉक्सी सर्वर यूज करोगे। क्या करोगे? प्रॉक्सी सर्वर। सुना है प्रॉक्सी सर्वर का नाम? प्रॉक्सी सर्वर सुना है कंपनी में पहले कभी? तो कोई तो सुना होगा।
हाँ सर, सुना है कैसे यूज होता है। तो प्रॉक्सी सर्वर इंप्लीमेंट कर AWS अपना रेडी टू मूव प्रॉक्सी सर्वर प्रोवाइड करता है जिसका नाम है नेट गेटवे। अगर आप इन सारे सर्वर को इंटरनेट देना चाहते हो विदाउट पब्लिक एक्सेस तो आप नेट गेटवे क्रिएट करो। क्या करो? नेट गेटवे। तो मैं क्या करूंगा, नेट गेटवे यहां पर क्रिएट करूंगा और मेरा जो नेट गेटवे होगा वो कहाँ बनेगा? प्रॉक्सी सर्वर में, मतलब पब्लिक सर्वर में। तो मेरा नेट गेटवे यहाँ पर, ये मेरा नेट गेटवे। और मेरा नेट गेटवे क्या करेगा, जब आप नेट गेटवे बनाओगे तो नेट गेटवे को एक प्राइवेट आईपी मिलेगी और एक पब्लिक आईपी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, इस नेट गेटवे को एक प्राइवेट आईपी मिल गई है इस सबनेट के अंदर, अपने इस सबनेट के अंदर इस रेंज की एक प्राइवेट आईपी को मिल गई है, मान लो 10.0.0 पड़ा। टेन डॉट जीरो डॉट सिक्स .100, ये इसको एक प्राइवेट आईपी मिली। ठीक है, और नेट गेटवे को ऐसे ही पब्लिक आईपी मिली है। क्रिएट कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिल रही है, वही लिख देते हैं यहाँ पे। लिखा नेट गेटवे, क्रिएट नेट गेटवे आर इंफ्रा हाइफन नेट गेटवे। पब्लिक सबनेट इधर बनाना होगा इसको, इसको एक पब्लिक आईपी एंड क्रिएट। ये बन रहा है, 2 मिनट लेगा। तो देखो प्राइवेट आईपी तो मिल गई इसको तुरंत। ये प्राइवेट आईपी मिली है, ठीक है। पब्लिक आईपी अपनी मिल रही है, ठीक है।
बन गया ये पब्लिक आईपी है। हाँ ये पब्लिक अब क्या होगा, अब मैं यहां पर एक राउटर लूंगा, ठीक है, यहां पर मैं एक राउटर लूंगा, ठीक है, जैसे ये राउटर लिया था, अभी राउटर लूंगा और अब मैं बताऊंगा ये सारे सबनेट को इस राउटर से ऐड करूंगा। और इस राउटर में भी मैं बताऊंगा कि आप इंटरनेट पे जाइए, लेकिन आप इंटरनेट पे जाने के लिए इधर आइए, बस। तो इन सारे नेटवर्क के अंदर ये जो वीएम्स हैं, ये वीएम जब इंटरनेट पे जा होगा तो ये अपनी अपनी आईपी लेकर इसके पास पहुंचेंगे कि हमें गूगल का पेज चाहिए, हमें फेसबुक का पेज चाहिए, इंस्टा का पेज चाहिए, जो भी है, ये सारे अपनी अपनी आईपी लेकर अपने रिक्वेस्ट इसके पास लेके आएंगे। ये क्या करेगा, ये उन सब की आईपी को वहीं रोक देगा और अपनी आईपी लेकर इसके पास पहुंचेगा। कह रहे फलाना आदमी गूगल मांग रहा है, ये फलाना आदमी फेसबुक मांग रहा है, ये क्या करेगा, ये आप इसकी आईपी को यहीं रोकेगा, ये जाएगा बाहर। अभी बाहर क्यों जाएगा, तो ये नेट गेट पे कहां पर है, इस सबनेट के अंदर, ये सबनेट रूट डिफाइन है इसके अंदर, तो ये यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, यहां से बाहर जाएगा, गूगल के सर्वर से गूगल का वेब पेज लेकर आएगा वापस, और यही रुक जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, बोलेगा गूगल का पेज मांगा किसने था, इसने, इसको फॉरवर्ड कर दिया, ये देखेगा मेरे से कौन मांग रहा था, ये फलाना बंदा, इसको फॉरवर्ड कर दिया। तो इन सब की आईपी यही रोकी जाए, रोक दी जाती है, ये जाता है इसके पास, इसकी आईपी यहाँ पे रोक दी जाती है। सर क्या आपकी आवाज सर प्रॉपरली नहीं आ रही सर। सिर्फ आपको नहीं आ रही है, किसी को नहीं आ रही है? नहीं सर आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, सिर्फ ब्रेक हो रही है, ब्रेक अभी हो ठीक रहा है, है। अभी भी ब्रेक हो रही है? ठीक हेलो सर अभी सही है अभी है, तो ठीक है सर। तो समझ आ गया बात, क्या बताया मैंने? हाँ यस सर तो नेट गेटवे आपने सेटअप किया, लेकिन नेट गेटवे के बाद ये रूट टेबल भी आपको सेटअप करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ चलता हूँ और करता हूँ रूट टेबल सेटअप। रूट टेबल पे गया, क्रिएट रूट टेबल प्राइवेट हाइफन आरटी, सबनेट एसोसिएशन, यहाँ गया, सारे सबनेट एसोसिएट कर दो, सिर्फ किसको, पब्लिक वन पब्लिक टू को छोड़ दो बस, क्योंकि ये उधर एसोसिएटेड है। और फिर एडिट रूट में आओ, एड रूट बता दो कि आपको इंटरनेट पे जाने दे रहे हैं हम लोग,
कहाँ से निकलोगे? नेट गेटवे से निकलोगे आप, नेट गेटवे के पास जाओ। डेस्टिनेशन सेम है बट नेट गेटवे पॉइंट करेक्ट। हो गया इम्प्लीमेंट, समझ आई? हाँ जी, ओके क्लियर है? okay. अब इसके बाद आपको क्या करना है? अब इसके बाद आप अपने लोड बैलेंसर लगाएं, इन सारे सर्वर को डिप्लॉय करें। तो ये प्रोसेस मैं बाद में बताऊंगा, इतना प्रोसेस आप लोग पहले इंप्लीमेंट करें, ये आप लोगों का असाइनमेंट है। नेक्स्ट क्लास में जब भी आए तो ये प्रोसेस इंप्लीमेंट करके आए। जो भी होना है हम सीखेंगे इस क्लास में, इसी के आगे सीखते जाएंगे, इसी के आगे। अब आप लोग अपने क्वेश्चन लेके आ सकते, आज मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं क्योंकि इतना आप लोग करके आए। लेके आए क्वेश्चन, किसका क्या क्वेश्चन था? हाँ सर, मुझे वो आईपी का समझ नहीं, और आईपी में क्या समझ नहीं आया आपको? आपने जो आर इन का बीपीसी लिया था उसका ए वाला लिया था बराबर सर, 10 डॉट वाला, तो उसको पर आपने सबनेट 16 ही क्यों दिया और इधर 24 ही क्यों दिया सर? देखो, आईपी एड्रेस लर्न करने का 16, 10 to 15 आवर्स आपको देने होते हैं। अगर आप पूरी आईपी एड्रेस को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो 10 to 15 आवर्स आपको देने पड़ेंगे कि क्लास ए क्या होता है, क्लास बी क्या होता है, क्लास सी क्या होता है, क्लास डी क्या होता है, ये सारी चीजें। आपको क्लासेस के टाइप, आपको कितने क्लासेस होते हैं ये पता है? हाँ सर, आपने बताया अभी पांच नहीं, क्लास है मेरे बताने पे नहीं, आपको अपने लेवल पे पता है क्लास ए क्या होता है, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी? नहीं सर? नहीं पता। तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि पब्लिक आईपी क्या होती है, प्राइवेट आईपी क्या होती है? पब्लिक आईपी सर, पब्लिकली सब एक्सेस कर सकते हैं लेकिन तो मैं, प्राइवेट है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, आप गलत जा रहे हो। देखो, आईपी बनाने वाली जो कंपनी है उसने आईपी की रेंज 0.0.0.0 से स्टार्ट की है, 255.255.255.255 में जाके एंड कर दी है। इन्होंने बोला कि इतनी सारी आईपी को कैसे मैनेज किया जाए, तो इन्होंने क्लासेस बना दी। क्लासेस बनाने के बाद क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी बना दी और बोला ये सारी क्लासेस की आईपी हम लोग सेल करेंगे। लेकिन उनमें क्लास ए में से एक रेंज इन्होंने प्राइवेट निकाल दिया, क्लास बी में से एक प्राइवेट निकाल दिया, क्लास सी में से एक प्राइवेट निकाल दिया और बोला कि अपना प्राइवेट डेटा सेंटर सेटअप करने के लिए आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये इतनी इजिली समझ आने वाला नहीं है क्योंकि 10 से 15 घंटे का सेशन है आईपी एड्रेस का। बेटर होगा कि आप आईपी एड्रेस लर्न करने के लिए मेरे पास रिकॉर्डिंग लेक्चर्स हैं, उनको आप ले लें और उनसे आईपी एड्रेस आप सीख लें। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ आप इतना अंडरस्टैंड करें कि आईपी एड्रेस आपको किसी ने और ने निकाल के दिया है। जैसे मैंने आपसे बोला था कि अगर आपको आईपी एड्रेस की नॉलेज नहीं है तो आप कंपनी के अंदर किसी नेटवर्किंग बंदे को बुलाकर उनसे ये काम करवा सकते हैं कि यार मेरे को ना डेटा सेंटर बनाना है, तो आप मुझे बता दो मुझे क्या रेंज यूज करना है और मेरे को टोटल इतने नेटवर्क बनाने हैं और पर नेटवर्क में मुझे इतने इतने कंप्यूटर लगाना है, तो वो आपको कैलकुलेट करके कैलकुलेट। ये जस्ट लाइक वैसा हो गया कि मुझे एक मकान बनवाना है तो मैंने एक इंजीनियर को पकड़ के नक्शा डिजाइन करा लिया। अगर आपको वो चीजें आती तो आप खुद भी नक्शा बना सकते हो। तो यहाँ पर मेरे को आईपी एड्रेस आती थी तो मैंने अपने लेवल पे कर लिया। आपको कभी नीड पड़ेगी आप नेटवर्किंग बंदे को पकड़िए और उनसे अपनी सिनेरियो बताइए, वो आपको निकाल के दे देगा। बट एज अ सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफाइल पे आप जा रहे हो तो आपको आईपी एड्रेस की नॉलेज पहले से होनी चाहिए। तो मेरे पास जो लेक्चर है आप वो ले लेना, उससे आईपी एड्रेस लर्न करें। अगर आपके पास आईपी एड्रेस की नॉलेज नहीं है तो आप इंडस्ट्री में फिर आर्किटेक्चर नहीं हो। आपको सिर्फ ऑर्डर दिया जाएगा कि आप जाइए एक सबनेट बनाइए, उसमें ये रेंज इंप्लीमेंट कर दीजिए।
आप जाइए एक वीपीसी बनाइए, उस पे रेंज डाल दीजिएगा। अब वो रेंज क्या दे रहे हैं वो उन लोग निकाल कर देंगे आपको, आपको फिर हेडेक नहीं पाना। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पर? सर, जी बोले। सर मेरे दिस साइड सर, ये उनका अगले क्लियर हो गया इंटरव्यू जो है आई पे एड्रेस को लेके बोल रहे थे? आपके क्या नाम था आपका? प्रवीण, क्लियर हो गया तुम्हारा? सर। हाँ सर, ठीक है, तो आप अगर एज अ बिगनर जाएंगे तो आपको आर्किटेक्चर नहीं बनाने के लिए बोला जाएगा, आपको मेल पे लिख कर दिया जाएगा कि आपको जाना है वीपीसी बनाना, वीपीसी में ये नेटवर्क आपको डाल देना है। आपको बोला जाएगा कि 5-8 सबनेट बनाने हैं, पर सबनेट पे ये रेंज आपको डालना है। अब आपको चिंता नहीं करनी क्या निकाल के दिया है, आपका काम है सर सिस ऑप्स का, सिस्टम एंड ऑपरेशन बंदे का, आप गए क्रिएट कर दिए। अगर आप जानना चाहते हो कि ये चीजें कैसी बनी है तो देन यू शुड बी लर्न आईपी एड्रेस फर्स्ट। जी बोले मिर्जा, आप क्या है? सर ये बीपीसी में हम ये भी अकाउंट जो भी क्रिएट करते हैं, इसका हम 1 वीक अगर रखते हैं तो उसमें कुछ चार्जेस वगैरह लगेगा सर वन हमको? वीक नहीं रखना, बहुत चार्जेस लग जाएंगे नेट गेट पे, डिलीट कर देना तुरंत जस्ट, ओके सर, क्रिएट करके एंड वो डिलीट हैंड कर टू हैंड देंगे। डिलीट कर। अभी तो पूरा डेटा सेंटर बनेगा, तो ये बहुत बड़ा डेटा सेंटर तैयार होगा, नहीं चार्जेस तो वो तो आपको सर डिलीट वो करना, बड़ा तो बनेगा, लेकिन ये डिलीट इंटरनेट पे करना है, है तो बेस्ट आप प्रैक्टिस है, क्रिएट करो डिलीट करो, रुकना नहीं है। ओके। नेक्स्ट, अच्छा मेरा क्वेश्चन ये था, जी अगर हम हाइब्रिड क्लाउड यूज कर रहे हैं तो उसके लिए नेटवर्किंग तो थोड़ा कंसेप्ट हमारा चेंज हो जाएगा यहाँ पे थोड़ा। बिल्कुल, अगर आप हाइब्रिड क्लाउड यूज कर रहे हो तो देन उसके बाद फिर आपका वीपीएन वगैरह आपके पिक्चर में आ जाएगा कि ये आपका ऑन प्रमिसेस डेटा सेंटर है, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए देन उसके बाद आपको फिर वीपीएन यूज करना पड़ेगा, डायरेक्ट कनेक्शन यूज करना पड़ेगा, तो ये फिर आपका हाइब्रिड कनेक्शन बन। ओके, उसमें फिर DNS आ जाएगा, VPN आ जाएगा और कुछ और डीएनएस नहीं कुछ आएगा, चार्जेस वीपीएन आएगा बस, ओनली VPN। ओनली डीएनएस तो नेम रिजोल्यूशन के लिए, तो यस यस डीएनएस तो आपको इसी के अंदर आ जाएगा यहाँ पे। हाँ। हाँ और नेक्स्ट, पर AWS की ऐसी कोई सर्विस है जो कि हाइब्रिड क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड करती है? हाइब्रिड क्लाउड किसको बोलते हैं? हाइब्रिड क्लाउड का मतलब होता है कि आप आपका ऑन सर प्रमाइसेस, तो ये वीपीएन क्या है, उन्हीं की तो सर्विस है, डायरेक्ट कनेक्शन तो उन्हीं की तो सर्विस है। नहीं, बट आई थिंक AWS की भी सर्विसेज है जो हम ऑन प्रीमाइसेस पे इंप्लीमेंट करते हैं टू अचीव दिस हाइब्रिड क्लाउड। ओके, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है। एजेंट होता है सर वो। देखो हाइब्रिड क्लाउड का कंसेप्ट ये नहीं है कि आप सर्विस इंप्लीमेंट करो, हाइब्रिड क्लाउड का मतलब होता है कि आपके कुछ रिसोर्सेस ऑन प्रमाइसेस में, कुछ रिसोर्सेस क्लाउड पे हैं, दोनों को जब आप मर्ज करके यूज करते हो देन आप उसको कॉल करते हो हाइब्रिड। तो जो मर्जिंग होगी उसके लिए क्या होती है, सर्विसेस होती हैं, उसके लिए आपका एजेंट होता है, वो एजेंट डाल दो मर्जिंग हो गई। वो कोई एजेंट का नाम ऐसे कोई मीन्स? हर एक सर्विस का अलग अलग होता है, हर एक सर्विस का अलग अलग ओके होता है। ओके वही एजेंट वीपीएन ही तो है एजेंट, और क्या एजेंट है, वीपीएन के थ्रू तो कनेक्ट करे तो वीपीएन एजेंट हो गया, वीपीएन का एजेंट डालोगे आप। अब लोड बैलेंसर पे आप बोल रहे हो कि एक सर्वर मेरा ऑन प्रमाइसिस का आ जाए तो आईपी एड्रेस यूज होगा यहाँ पर। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन ला रहा? ये रिकॉर्डिंग रहेंगी क्या, देख पाएंगे क्या? ठीक है, कोई हाँ एक्सेस जी, हाँ कर जी, पाएंगे इसको? हाँ सर, मेरा भी एक क्वेश्चन था कि रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो हाँ जाएगी क्या? रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी।
सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीक सैटरडे संडे रहेगी कि नेक्स्ट संडे रहेगी सर क्लासेस? वो मैं एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, उसमें जो भी है आपस में कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कर लेंगे, ठीक है। आप सब लोग मेरे को ना एक बार नंबर पे हाई लिख के भेज दो, तो मैं एक ग्रुप बना के आप सबको ऐड कर देता हूँ, मैं भी उस ग्रुप में रहूँगा। ठीक है सर। तो क्लासेस का टाइमिंग हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि दोनों दिन रखते हैं या एक दिन रखते हैं, जो भी है कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। ओके सर, थैंक यू। क्योंकि अभी और भी लोग इस बैचेस में ऐड होने वाले हैं, हाँ आई थिंक वीकेंड में दोनों दिन रहेंगे तो अच्छा रहेगा, मिस बहुत जल्दी कवर हो कोशिश। जाएंगे हाँ सर। बिल्कुल, अब थोड़ा और स्ट्रेंथ इसमें आ जाए तो और अच्छा हो जाएगा बैच फिर मेरे लिए। मैंने नंबर दे दिया, आप सब लोग व्हाट्सएप में मेरे को कर दो, इस पे मत करो, मैं सबको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। व्हाट्सएप में मुझे हाई लिख के भेज दो बस, तो मैं एक ग्रुप बना के ऐड कर दूँ। ये कोर्स का सिलेबस कहाँ से मिल सकता है? गूगल आप से मिलेगा? कोर्स का सिलेबस AWS के साइट पे जाए, वहां से डाउनलोड कर लें, AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट। ओके थैंक थैंक यू। यू। संजय बट प्रोफेशनल बोला और अपन ये सिर्फ ये वाला करेंगे तो थोड़ा सा बहुत सारे ये बेस नहीं होंगे इसमें? मतलब प्रोफेशनल का मतलब देखो क्या होता है, प्रोफेशनल का मतलब होता है कि ये चीज अगर मैं किसी क्लाइंट को जाके उसको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ और वहां से बिजनेस ला रहा हूँ तो प्रोफेशनल हो गया। हाँ ये चीजें आप हाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो एसोसिएट हो गया, दोनों में यही ओके डिफरेंस है और कुछ नहीं है। ओके। बट सर्टिफिकेशन इन्होंने सेपरेट बना दिए दोनों के। हाँ वो तो बिजनेस है सर, इनका तो बिजनेस का तरीका है ना। चार सर्विस इधर उधर करके उन्होंने अलग सर्टिफिकेट बना दिया पूरा। हाँ बोले, आर्किटेक्चर सिनेरियो चेंज कर दिया, सर्टिफिकेट बना दिया। जी बोले, नेक्स्ट कौन है? क्वेश्चन क्वेश्चन देखो टॉपिक सेम होते हैं, सिनेरियो बदल देता है बस। अच्छा अब जैसे एसोसिएट लेवल में एक एक सबनेट रख दिया, ठीक है, यहां पे मैंने दो दो सबनेट रख दिया और दोनों सबनेट रखने का रीजन बता दिया, तो ये प्रोफेशनल लेवल की चीजें हो गई। ओके और इसी में इसके थोड़ा बाद सा अगर एग्जाम देनी है अपन, हमें सॉल्यूशन प्रोफेशनल की तो दे सकते हैं क्या कोर्स के बाद? बिल्कुल दे सकते हो, और उसके लिए कोई गाइडेंस आपके साइड मेरे से? से बात कर लेना, मैं करवा दूंगा। जी ठीक एग्जाम की चिंता तो मत करो, 1 घंटे का प्रोसेस होता है, मेन है नॉलेज की चिंता करो ज्यादा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्योंकि ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना ही आपको किसी गूगल्स में मिलेगा, ना इंटरनेट में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये आपको तभी मिलेगा जब आप इंडस्ट्री में जाओगे और ये होता हुआ देखोगे। आप समझ लो कि एक केटी ट्रेनिंग आप मेरे से ले लिया, ये चीजें जो मैंने आपको सामने रख दी। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट्सएप में पिंग करो, इस पे मत करो आप, इसी तो अभी तो क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो मेरे पास रहेगा भी नहीं डेटा। चैट में मत कर करो, दिए संजय, कर दिए ठीक है? व्हाट्सएप नहीं, बहुत सारे लोग इस पे पिंग कर रहे हैं ना। अगर क्वेश्चन नहीं हो तो ड्रॉप करते हैं, वीडियोस मैं आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। अपनी अपनी ईमेल भी साथ में कर देना हाई लिखने के बाद, तो ग्रुप में मैं भेज दूंगा आप लोगों को पर। वीडियो। सर ये वीडियो कब तक अवेलेबल हो जाएगी ये आज ही दोनों? करवा दूंगा, ग्रुप भी आज ही बनवा लीजिए, मैं थोड़ा जल्दी मैं कर बोल रहा हूँ सब लोग भेज दो, मैं ग्रुप बना देता हूँ, क्लास के खत्म होते ही बना लेता हूँ। दी कर दी। हाँ तो कर दी आपको, ठीक है, और उसी ग्रुप पे आप डाल दीजिए फिर वो लिंक भी, मैं उसी वहां ग्रुप में से डाल एक्सेस दो। कर पाएंगे। हाँ उसी ग्रुप में।
बाकी आई थिंक सबको समझ आया ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई, बस थोड़ा सा आईपी एड्रेस पे है तो उस पे देखो, उस पे अगर मैं समझाने भी बैठूंगा तो आधे घंटे में भी मैं नहीं समझा पाऊंगा, पूरा 1 घंटे में नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, उसको बेटर तरीका है कि आप अभी इसको स्किप करें, बाद में कभी टाइम मिले तो उस चीज को कर लें। ओके सर, ड्रॉप कर सकते हो हमें क्लास अभी? यस सर, थैंक चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? बाय यू, थैंक बाय। थैंक यू, थैंक यू सर, यू, थैंक यू। ओके।